खबरों की बदलती दुनिया के साथ मैं शिवम हाजिर हूं। नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ नगर से, जहां सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में 34 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देकर महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सम्मानित किया। इस अवसर पर यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय में नवनिर्मित मुख्य द्वार और शिक्षकों के लिए नवनिर्मित आवास का लोकार्पण भी किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 34 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देकर कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया। हालांकि 24 स्वर्ण पदक पाकर छात्राएं आगे रहीं, वहीं 10 छात्रों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को भी राज्यपाल ने बैग व किताब देकर सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में था। अब मुझे खुशी है कि इस विश्वविद्यालय को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। पहले जो हम लोग आए थे केवल शिलान्यास का पत्थर था, यहाँ पे पूरा इसको डेवलप कराने का काम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया और इसमें कैंपस में टीचिंग शुरू हो सके और साथ में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम कोर्सेज आएँ और शिक्षकों का अपॉइंटमेंट हो और शोधपीठ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत शोध कार्य यहाँ पर संपादित हो सके। वही अगली खबर है बलरामपुर से, जहाँ महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महाराणा प्रताप ग्रामोदय इंटर कॉलेज इमलिया कोडर में पहुंचकर विद्यालय में बने कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल के द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं थारू जनजाति द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के दौरान थारू छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और थारू नृत्य शैली प्रस्तुत की गई। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल ने कहा कि राजभवन द्वारा सामान्यता 1 या 2 लाख से ज्यादा का अनुदान नहीं दिया जाता है, लेकिन राजभवन की कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक लोगों को अनुदान का लाभ दिया जाए। वही राज्यपाल बोली कि थारू जनजाति के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान दिए जाने के लिए 8.5 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। महामहिम ने कहा कि उनका विशेष ध्यान आंगनबाड़ी केंद्रों पर है। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को अच्छा पोषण आहार के साथ साथ खिलौने के माध्यम से मैथ और साइंस की शिक्षा दिया जाए। 70 वर्षों से लागू अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था से इतर प्रधानमंत्री द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है। वो अगली खबर है सीतापुर से, जहां आजम खान और मौलाना मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी रामपुर के सम्मान को बचाने के लिए रामपुर से चलकर लखनऊ तक समाजवादी पार्टी द्वारा समाजवादी जन जागरण विशाल साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा सीतापुर सदर पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा में शामिल सभी लोगों का फूलमाला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। वहीं रेवाली गार्डन पहुंचने पर समाजवादी जन जागरण साइकिल यात्रियों ने आराम कर आगे की तरफ प्रस्थान किया। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, ये यात्रा जो है यूनिवर्सिटी के सम्मान में है, जो जौहर विश्वविद्यालय पर काली निगाहें पड़ गई हैं, जिसको सरकार अपने अंडर में लेना चाहती है और बंद करना चाहती है यूनिवर्सिटी। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो 12 तारीख में जिन्होंने झंडी दिखाई और 14 किलोमीटर साइकिल चलाई, तो यूनिवर्सिटी के सम्मान में समाजवादी मैदान में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं का मुस्तकबिल है। डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर बनाती है यूनिवर्सिटी, पत्रकार बनाती है यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेट्स बनाती है। यूनिवर्सिटी को बंद नहीं करना चाहिए, विश्वविद्यालय अगर बंद करना चाहेंगे तो ये नौजवान साथी आज आपने देखे होंगे रोड पर उतर कर आ गए हैं। विश्वविद्यालय हमारी अमानत है, हमारे लिए बनी है और हम लोग उसको बचाने के लिए पूरी तरीके से मैदान में हैं। वही अब रुख करते हैं औरैया की तरफ, जहां प्रसिद्ध लोक गायिका और भोजपुरी सिंगर मालिनी अवस्थी के द्वारा औरैया जिले की प्रदर्शनी में आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनमोहक प्रस्तुति देते हुए सबका मन मोह लिया। वहीं दर्शकों ने भी मालिनी अवस्थी के लोकगीतों का जमकर लुत्फ उठाया। शहर के नुमाइश मैदान में सजे स्टेज पर मालिनी अवस्थी पहुंची तो दर्शक झूम उठे। वहीं लोक गायिका ने औरैया को अपना घर बताते हुए कहा कि वे बगल के जनपद कन्नौज में उनका जन्म हुआ है और कानपुर उनकी ससुराल है, इसलिए इटावा, औरैया और मैनपुरी से पुराना नाता रहा है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मालिनी अवस्थी ने फाल्गुन बहार गीतों की अनोखी प्रस्तुति भी दी। इस मौके पर DM औरैया और SP समेत सैकड़ों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे।
वही अगली खबर है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक सीमेंट पाइप की फैक्ट्री की रखवाली कर रहे दो चौकीदारों पर देर रात अज्ञात बदमाशों के द्वारा लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल लूट के इरादे से आए अज्ञात बदमाशों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। वही घटना की सूचना मिलते ही सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। आपको बताते चले, ग्राम गोड़े के पास रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने केदारनाथ गुप्ता की पाइप बनाने की फैक्ट्री थी, जो कि पिछले 10 वर्षों से बंद पड़ी है, जिसकी सुरक्षा में दो गार्ड तैनात थे, जिसमें से एक की मौत हो गई है और दूसरा गार्ड घायल अवस्था में पाया गया। फिलहाल मौके पर स्थानीय पुलिस बल मौजूद है। मामले की गहराई से जांच और विधिक कार्रवाई की जा रही है। वर्षों से बंद है, तो इसमें दो व्यक्ति जंग बहादुर सिंह व छोटो सरोज सुरक्षा कर्मी का कार्य करते थे। तो परिवार वालों ने बताया है कि दो तीन व्यक्ति परिसर में आए हैं और इन पर हमला बोल दिए हैं, जिससे जंग बहादुर सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में इलाज हेतु भेज दिया गया है। फिलहाल जनमत न्यूज के खास बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनमत न्यूज। नमस्कार।